बीते दिनों उड़ीसा से एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होने के उपरांत पूरे जिले के पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी। बाद में वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान सतीश गंधर्व के रूप में हुई। इसके बाद दुर्ग एसएसपी ने बंधक युवक को छुड़ाने के लिए नारकोटिक्स सेल की टीम को उड़ीसा भेजा। नारकोटिक्स टीम के सदस्यों ने बंधक युवक को छुड़ाने के साथ ही गांजे के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ भी किया। एक तरफ सोशल मीडिया में अपराध बी सतीश गंधर्व का वीडियो खूब वायरल हो रहा था, दूसरी तरफ सुपेला थाना में उसके परिजन उसके गुम होने की रिपोर्ट लिखाकर उसे ढूंढ रहे थे। वीडियो पुलिस तक पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि युवक तो उड़ीसा में है। तत्काल दुर्ग पुलिस ने नारकोटिक्स की दो टीम बनाकर युवक की खोजबीन के लिए उड़ीसा भेजा। वहां जाकर उन्हें पता चला कि मामला तो गांजा तस्करी से जुड़ा हुआ है। टीम ने सूचना के आधार पर उड़ीसा के कालाहांडी के घने जंगलों में दबिश दी। इस दौरान नारकोटिक्स टीम ने अपराध सतीश गंधर्व के साथ एक अन्य युवक शहनवाज को सुरक्षित रेस्क्यू किया। कार्रवाई के दौरान उड़ीसा निवासी दो आरोपी आदम सोना अनिल बान और सुपेला निवासी मुख्य आरोपी अनिल सोनी उर्फ गुडवा मोहम्मद शहजाद उर्फ चिड़िया की गिरफ्तारी की गई। वहीं तीन आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। आपको बता दें कि उड़ीसा के कालाहांडी के घने जंगलों में अक्सर नक्सली मूवमेंट होती है। बावजूद इसके नारकोटिक्स टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस पूरे मामले की जानकारी एएसपी संजय ध्रुव ने दी। ये सुपेला थाना का मामला है, जहाँ पर कुछ दिनों पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़के को बंधक बनाने की बात सामने आ रही थी और ये लोग गांजे का कनेक्शन कहीं ना कहीं दिख रहा था। उसी पर से एसएसपी महोदय ने एक टीम बनाकर उड़ीसा तत्काल भेजा। इसमें हम लोगों ने काफ़ी होमवर्क किया था और उड़ीसा के काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हमारी टीम ने दबिश दिया वहाँ की पुलिस के साथ मिलकर, और इसमें बंधक व्यक्ति को छुड़ाकर लाया और उसके साथ एक और व्यक्ति बंधक था जो इनके साथ गया हुआ था। दो लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया है और गांजे का एक प्रमुख को जो व्यापारी है वहाँ अवैध व्यापार करने वाला जो कार्टेल का हेड है उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें बंधक बनाने वाले जो आरोपी हैं वो तो गिरफ्तार हुए हैं, गांजे का कनेक्शन भी हम लोगों ने क्रैक किया है। हम आपको वीडियो भी शेयर करेंगे जो आपको डिटेल पृथक से दे जाएंगे, उसको दो शब्दों या चार लाइन में बता पाना संभव नहीं। अभी चार लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें तीन आरोपी उड़ीसा के हैं, एक आरोपी सुपेला थाना क्षेत्र का है और तीन आरोपी इसमें फरार हैं। दो लोगों को रेस्क्यू किया गया है, रेस्क्यू किए गए हैं वो लोकल हैं और उनके खिलाफ पूर्व में अभी रिकॉर्ड हम पूर्व के जो रिकॉर्ड हैं वो हम तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन जो बंदे इनको लेकर गए थे वो भी इसमें आरोपी बन रहे हैं, उनकी भी तस्दीक की जा रही है। निश्चित तौर पर ये दुर्ग पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है और इसमें एक गांजे का कार्टेल है, गांजा का बनाने वाले, प्रोसेसिंग करने वाले और सप्लाई करने वाले, एक गिरोह का पर्दाफाश हम लोगों ने किया है इस ऑपरेशन के माध्यम से। उसके प्रमुख को भी हमने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। दुर्ग पुलिस और नारकोटिक्स टीम की उड़ीसा में इस बड़ी कार्रवाई से जिले में फल फूल रहे नशे के कारोबार में कुछ हद तक लगाम लगेगा, लेकिन कार्रवाई में निरंतरता की जरूरत है, तभी दुर्ग जिले को नशा मुक्त करने की कल्पना की जा सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए रॉबिन नमल ठाकुर की रिपोर्ट।